अरे जुबेर भाई आप इधर तो देखिए भैया क्योंकि आप मुस्कुराती तो बढ़िया होगी, अच्छे लगती ना। आज के हमारे जो भी अतिथिगण आए हैं उनकी तरफ से अब्दुल भाई जी सभी साथियों की तरफ से बुके मुरलीधर आलोकर जी को प्रदान कर रहे हैं। हमारे समस्त साथियों की तरफ से जो सामने बैठे हुए हैं मैडम निगत अली खान जी से भी अनुरोध है कि आप भी बुके देकर स्वागत करें। हमारे बीच में मुर्तजा अली साहब है, उनसे अनुरोध है कि आप भी शुभाशीष शुभकामनाएं देकर स्वागत करें। बाबा जी हमारे बोलिए, बाबा जी क्या बोलते हैं, सार्वजनिक मंच पे है, सार्वजनिक मंच पर क्रोध हमारे बीच में माल्य अर्पण कर स्वागत करेंगे। ठीक है, नम्रता अच्छी चीज है, उसको धारण किए रहे। हमारे बीच में अब्दुल भाई भारत माता की जय। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मान्यता प्राप्त पत्रकार जो है इतने संख्या में है और सब लोग इकट्ठे हो गए, हरिओम जी की एक आवाज में जुबेर जी की कहने पर हमारे वायद भाई, हमारे जितने भी लोग हमारे पत्रकार भाई हैं, हमारी निका जी है, महाराज जी है, सभी लोग जितने भी हमारे इतने लोग इकट्ठे होकर हमारा स्वागत किया, तो मैं अपने को इस स्वागत के काबिल नहीं समझ रहा हूँ कि आपने तो मुझे इतना स्वागत किया है। मुझे इतना बहुत वजन ज़्यादा पड़ गया आपका, इतना आपने वजन चढ़ा दिया कि वजन कैसे उतारूंगा मैं, इस वजन वजन उतरे कैसे मेरा, अभी तो मौका आया उतरा। हाँ, बस मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई, जो ऐसा ना जैसे मत दान, मैं दान आपसे नहीं लूंगा, समझा, मत का दान मैं नहीं लूंगा किसी से। दान का मतलब होता है आपने ब्लड दान किया तो भूल जाओ भैया, दान दिया तो उसको थोड़ी याद करेंगे, मैंने आपको फोन दिया तो भाई मेरा ख्याल कर दे लेना भाई, तो दान पर तो भूल जाता आज भी, तो लेकिन वो मैं वो वाला नेता नहीं बनूंगा कि दान लेके भूल जाऊँ, तो मैं मत का आपका ऋण लूंगा, मैं मत का दान नहीं मांगूंगा, मेरे मत दान दो, मुझे दान नहीं चाहिए, नींद नहीं चाहिए मुझे दान की, नेताओं की तरह मैं मत लेके भूल जाऊँ, दान लेके भूल जाऊँ मैं उस तरह से नहीं करूँगा। हम लोग बिजनेसमैन आदमी है, एक कर्जा लेते किसी से तो भी अभ्यास में वापस करते, जब तक वापस नहीं करते तो नींद नहीं आती, इसमें टेंशन सर में चढ़ा रहता है, भैया इसको पैसा वापस करना है, कर्ज से वापस करना है, धन्यवाद भी करना है। उसी तरह जो हमको मत मिलेगा तो मैं उसका भी ऋण उतारूंगा, दान लेके भूल नहीं जाऊंगा, ये समझ लीजिएगा। और मैं पॉलिटिक्स को वाकई में किसी टाइम में ठीक नहीं समझता था कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स जो है अच्छा काम नहीं है। कई साल पहले, 15-20 साल पहले, 25 साल पहले जब भी जहाँ भी इलेक्शन होगा, मार काट गोली का लॉज ये वो दुनिया भर का होता था, मतलब इलेक्शन की सफलतापूर्वक नहीं हो सकता था इस टाइम में, आप याद करिए। लेकिन अब भारत में सुधार बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा सुधार हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है अब राजनीति में आ गए हैं, जिसको देखकर हम लोग हिम्मत आई कि वाकई में राजनीति में आना चाहिए। और वर्तमान में भाजपा सरकार जो है जो मैंने ज्वाइन की, तो मुझे भाजपा सरकार बहुत ही अच्छी समझ में आई, यही सरकार एक ही बात कहनी है, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, कितनी बड़ी बात है, बहुत छोटा सा दो लाइन का किस्सा है, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर यही बात अगर हर डिपार्टमेंट, हर अफसर, हर नेता, हर मिनिस्टर सोच ले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हमारा देश कहाँ पहुंच जाएगा। उसी तरह सफाई ले लीजिए, हर जो भी मोदी जी का जो भी टारगेट है मुझे बेहद पसंद है, मुझे एक मोदी जी का एक अभियान नहीं सिर्फ भाई सफाई पसंद है मेरे को, और मोदी जी का सफाई को छोड़कर हर जो भी उनका टारगेट है मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे दुश्मनों के से लड़ना हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपस में देश के ऊपर नोटबंदी कोई आसान बात है, नोट बंद करना कितना बड़ा हिम्मत का काम है, देशों में गदर मच जाता है, कितने कितने आप इतिहास पढ़िए नोट बंद होने से कितने गदर मचे, ये कोई साधारण डिसीजन नहीं था, पर लेकिन इतना बड़ा निर्णय लिया क्योंकि ईमानदार थे, साफ छवि वाले थे, इतना बड़ा निर्णय लिया, देश का एकदम बिल्कुल छन्नी लगा के सब साफ कर दिया, इतना बड़ा निर्णय लेने वाला एक ही नेता हमारे देश का है, अगर वो ही मजबूत होगा तभी हमारा देश बहुत ऊंचा जाएगा, यही मैं सोच के इसीलिए मैं इस पार्टी के साथ जुड़ गया हूँ, कि मैं बहुत छोटा अंग हूँ, बहुत छोटी बात कर सकता हूँ, मैं तो बड़ी सोच भी नहीं है, लेकिन बस मैं
मेरी इच्छा बहुत है कि मैं इस पार्टी के साथ लेकर कुछ कर सकूं और थोड़ा सा भी इस सहयोग में अपना हवन में कुछ आउट दी। आपने भी सम्मान की बात की, कल आपके साथ निरहुआ और कई व्यापारी नेताओं ने पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय किया, आपने ज्वाइन किया निरहुआ ने, मगर कई व्यापारी नेताओं को सम्मान नहीं मिला, वही सुनने में पार्टी वॉकआउट कर दिया। क्या लगता है कि आगे भी सिंधी समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और जो प्रॉपर सम्मान के लिए आप आए हैं वो आप सम्मान मिलेंगे? देखिए नहीं, सम्मान हर एक आदमी चाहता है कि सम्मान हमको मिले, हर जगह सम्मान हो।